नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। मैं हूं आपके साथ भारती सिंह, और कोरोना के नए स्ट्रेन की पूरी जानकारी के साथ मैं हूं आपके संग प्रद्युम्न शर्मा। लगातार भारत में कोरोना अपने चरम पर चल रहा है, और इसी बीच यूके से एक खबर सामने आती है कि कोरोना का एक नया स्ट्रेन वहां पर पाया गया है। कोरोना की तरह ये घातक वायरस है जो कि काफी लोगों को प्रभावित कर चुका है। दरअसल साउथ अफ्रीका से कुछ लोग यूके आते हैं जो कि संक्रमित पाए जाते हैं, और उसमें से कुछ लोग ऐसे भी थे जो भारत भी आए हैं जिनकी अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। आपके मन में तमाम सवाल ये उठ रहे होंगे कि आखिरकार ये वायरस कितना खतरनाक है, क्योंकि कोरोना काल में ही कितने लोगों की मृत्यु हो चुकी है, ऐसे में नए वायरस कितना खतरनाक है, ये आज हम आपको पूरा समझाएंगे। बिल्कुल प्रद्युम्न, और इससे पहले कि हम सभी को ये बताएं कि कितना खतरनाक है ये वायरस, उससे पहले ये अवगत कराना जरूरी है कि ये वायरस, इस वायरस से डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सिर्फ वही चीजें हमें फॉलो करनी होगी, वही मास्क लगाना होगा, उसी तरीके से हमें सैनिटाइजर का वक्त पर इस्तेमाल करना होगा। यही कुछ चीजें हैं जिनका हमें ध्यान रखना पड़ेगा, और इन्हीं से ही हम इससे भी पार पा पाएंगे जैसे हम कोरोना से अब तक लड़ते हुए आए हैं। तो इसे डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, सिर्फ जरूरत है तो उन्हीं चीजों को फॉलो करने की है। बिल्कुल, और भारतीय यूके से ये भी खबर है कि जो अब वहां पर संक्रमित पाए जा रहे हैं वो 60-70% बताए जा रहे हैं। ऐसे में 60-70% वो लोग हैं जो इस नए स्ट्रेन के संपर्क में आए हैं और कोरोना से ग्रस्त हो गए हैं। लेकिन ये भी एक बड़ा सवाल है लोगों के मन में, ये उठना स्वाभाविक हो जाता है क्योंकि कोरोना के जो सिम्टम्स थे वो ही सिम्टम्स इसमें भी पाए जा रहे हैं। ये अभी स्टडी में साफ तौर पर सामने नहीं आया है कि इसके सिम्टम्स क्या है, लेकिन फिर भी विशेषज्ञ इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि खांसी, बुखार, जुकाम, गले में खराश, सीने में दर्द, यही आम तौर पर सिम्टम्स है। 70% घातक है ये कोरोना से ये वायरस। बिल्कुल प्रद्युम्न, और बहुत अहम बात इसमें ये भी हो जाती है कि ऐसा बताया जा रहा है कि सितंबर से ये वायरस जो है वो शुरू हुआ यूके में, और इसके बाद अब जाके जो है वो सोमवार को जो है सारी फ्लाइटें जो है वो रद्द कर दी गई हिंदुस्तान की तरफ से, भारत की तरफ से। तो ऐसे में ये बहुत अहम हो जाता है कि सितंबर से लेकर अभी तक का जो वक्त रहा, इतने में जो भी फ्लाइट्स आई हैं उन सभी के थ्रू जो है वो बाकी जो संक्रमित लोग हैं वो पाए गए होंगे, आए होंगे देश में। तो ऐसे में बहुत ज्यादा ये चीज मानी जा सकती है कि बहुत ज्यादा फैलने का खतरा जो है वो बढ़ गया होगा। इस बात का जिक्र आप बिल्कुल सही कर रहे हैं कि सितंबर महीने में वहां पे स्ट्रेन पाया गया था, ऐसे में उन लोगों ने ये बात छुपाई, ये बात बाहर नहीं आ पाई थी। जो लोग यूके से भारत में आए हैं तो वो तो स्ट्रेन वायरस यहाँ पे ऑलरेडी ला ही चुके हैं, और वो सिम्टम्स भी सेम है, तो वो इस बात का समझ नहीं पा रहे हैं कि ये स्ट्रेन है या कोरोना है। लेकिन जब ये बात अब सामने आ गई है तो दहशत का माहौल बना हुआ है। यूके से पता नहीं ऐसे कितने देश हैं जिन्होंने अपना संपर्क पूरी तरीके से तोड़ दिया गया है, और साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया गया है कि यूके से अभी हमारा संपर्क कोई नहीं रहेगा क्योंकि कोरोना के चलते इतने लोग की मौत हो गई थी। अगर स्ट्रेन यूके से निकल के किसी और देश में पहुंचता है तो वाकई बहुत खतरनाक हो जाएगा। लेकिन एक बात आपको ये भी जरूर बता दें कि जो वायरस होता है वो लगातार अपने रूप बदलता रहता है। अगर एक वायरस, चाहे वो स्ट्रेन का वायरस हो या कोरोना वायरस हो, वो यहाँ पर अगर अपना रूप नहीं बदलेगा तो उसके जो सेल्स होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। अगर कोरोना वायरस या स्ट्रेन वायरस किसी के भी शरीर के अंदर है तो अगर वो सेल्स नहीं बदलता है, अपने सेल्स को बलवान नहीं करता, ताकत नहीं देता है, तो इंसान के शरीर उस पर प्रभावी पड़ जाएगा, वो वायरस को मार देगा। अगर वायरस रूप बदल लेता है तो इंसान की जान वाकई में खतरे में। बिल्कुल, और न सिर्फ कोरोना वायरस बल्कि बाकी तमाम जो मलेरिया जैसी हमारे देश में तमाम बीमारियां जो है वो रही है और अभी तक जो है वो रहती है, तो ऐसे में इन सभी बीमारियों के भी जो बैक्टीरियाज हैं, जो सेल्स हैं, वो सभी चीजें जो है वो अपनी जो चीजें बदलती हैं, एडवांस करते हैं, तभी वो जो है वो सर्वाइव कर पाते हैं, क्योंकि जो हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज बनती हैं वो उसको किल करने की पूरी तरीके से कोशिश करते हैं, और ऐसे में ये अहम हो जाता है कि वो अपने आप को बदलें, अपने आप को एडवांस करें ताकि वो एक बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में वो रुक सके। तो ये बात आपने बिल्कुल सही बताई कि वो अपने आप को एडवांस कर रहा है ताकि वो जो है ह्यूमन बॉडी में एक लंबे वक्त तक रह सके। लेकिन सराहनीय बात ये है कि देश की तरफ से, हमारे देश की तरफ से और सरकार की तरफ से ब्रेक लगा दिया गया है, रद्द कर दी गई है फ्लाइट्स। तो और ये रद्द करने की वजह से ही अब जो है कम से कम जो और वायरस आने वाला था एटलीस्ट उस पर जो है वो ब्रेक जरूर लग गया, ब्रेक लग गया है। लेकिन कोरोना का ये नया वर्जन बताया जा रहा है, नया वर्जन है, नए रूप से आएगा, किस तरीके से लोगों को ये हार्म पहुंचाएगा, नुकसान पहुंचाएगा, हानिकारक होगा, ये अभी विशेषज्ञ जो है वो जांच पड़ताल तो कर ही रहे हैं, समय लगेगा। अगर कोरोना की हम बात करते हैं तो जिस तरीके से लापरवाही लोग जो बरतते आ रहे हैं, मास्क नहीं लगाते हैं, आप साफ तौर पर देख सकते हैं हर जगह ये वीडियो वायरल होती है कि मास्क नहीं लगाया जा रहा, सोशल डिस्टेंसिंग की तो जमकर धज्जियां उड़ा दी जाती है।
ऐसे में जो युवा पीढ़ी है, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया इनसे भी दरख्वास्त करना चाहेगा, ऐसी युवा पीढ़ी से जो मास्क नहीं लगाते हैं, क्योंकि उनकी सोच ये हो चुकी है कि हमको अगर कोरोना वायरस हो गया तो हम तो सुरक्षित हैं, हम बच जाएंगे, हमारी मृत्यु नहीं होगी। लेकिन आप अगर संक्रमित होते हैं, युवा पीढ़ी संक्रमित होती है, उनके मन में ये चीज़ है, तो वो ना जाने कितने लोगों को संक्रमित कर देंगे। उसमें ऐसे ऐसे बहुत से लोग होंगे जिनकी उम्र ज़्यादा है, जो गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं, तो उनके लिए एक बार ज़रूर सोचें। और कहीं ना कहीं आपके घर में भी बुजुर्ग होंगे, अगर आप इस तरीके की लापरवाही बरतते हैं तो वो लोग इसकी चपेट में आ जाएंगे। और अगर कोई बुजुर्ग शख्स या फिर गंभीर बीमारी से संक्रमित शख्स इसकी चपेट में आता है तो उसकी मृत्यु तो है, ये बात आपको समझना होगा। कोरोना चल रहा है, स्ट्रेन वायरस अब आने वाला है, आप कितना भी रोकिए। एक जो केस है वो यहाँ पर पाया गया है, वो महिला अभी फिलहाल हिरासत में है, पुलिस भी उसको देख रही है, स्वास्थ्य विभाग की टीम भी लगातार उसके पीछे लगी हुई है। लेकिन जब एक महिला से ना जाने कितने लोगों से वो मिली होगी, स्ट्रेन उसने फैला दिया होगा, तो आने वाले समय में ये साफ हो जाएगा कि भारत में कितने स्ट्रेन के मरीज सामने आ रहे हैं। बिल्कुल प्रद्युम्न, और जहां तक बात आपने एक मरीज की तो याद है जब ये कोरोना वायरस शुरू हुआ था तो एक ही मरीज आया था, और आज पूरा देश ग्रसित है, हर देश में इतने लोगों की जान हर दिन जा रही है। तो ऐसे में बिल्कुल सही बात आपने कही, हमारी पूरी टीम आप सभी से ये दरख्वास्त करती है कि आप अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं, और अगर आप अपने आप को सुरक्षित रखेंगे तभी ये पॉसिबल हो पाएगा कि आप अपने बुजुर्गों को, आपके आसपास के जो लोग हैं, छोटे बच्चे हैं, उन सबको जो है वो आप अच्छे से सुरक्षित रख पाएंगे। आपकी आपका एक कदम, आपका एक मास्क लगाना, आपका सैनिटाइजर यूज करना न जाने कितने लोगों की जान बचा सकता है। बिल्कुल, देखिए अब हम आपको ये बता देते हैं, एक बार हमारे दर्शकों को ये बताना जरूरी है कि स्ट्रेन वायरस और कोरोना वायरस में फर्क क्या है, सिम्टम्स में क्या फर्क है, एक बार ये दोहराना और बताना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि समझना समझाना बेहद जरूरी है आज के जमाने में। इस तरीके से कोरोना वायरस आया सबसे पहले, जहां पर एसिम्प्टोमेटिक और सिम्प्टोमेटिक दो तरीके के कोरोना वायरस पाया जाता है। एसिम्प्टोमेटिक में आपको सिम्टम्स नहीं आते हैं, सिम्प्टोमेटिक में आपको सिम्टम आ जाते हैं, जो आमतौर पर सिम्टम्स चल रहे हैं। ऐसे में आरटीपीसीआर टेस्ट होता है, एंटीजन बॉडी टेस्ट होता है। जो आरटीपीसीआर होता है उसकी जो गुणवत्ता होती है टेस्ट की, वो ज्यादा होती है, समय सीमा जरूर 2 से 3 दिन होती है टेस्ट की रिपोर्ट आने में, लेकिन उसकी जो क्वालिटी है टेस्ट की और जिस तरीके से वो टेस्ट होता है वो आसान भी होता है और उसकी रिपोर्ट भी बिल्कुल सही आती है। एंटीजन टेस्ट होता है 2-3 घंटे में रिपोर्ट आ जाती है, लेकिन इतनी प्रमुखता उस रिपोर्ट को नहीं दी जाती इतनी आरटीपीसीआर को दी जाती है। स्ट्रेन वायरस के बारे में हम आपको बता रहे थे, जहां पर किस प्रकार का होता है, कितना हार्मफुल है, 70% का जिक्र बार-बार किया जा रहा है कि 70% ये खतरनाक बताया जा रहा है कोरोना से। लेकिन अभी स्टडी चल रही है, साफ तौर पर किसी ने जिक्र नहीं किया गया है, कोई ऐसी संस्था, कोई ऐसा विशेषज्ञ सामने नहीं आया जिसने ये जिक्र किया हो कि ये वाकई में इतना खतरनाक है या नहीं, किस तरीके से रूपरेखा बदलता है, क्या करेगा, कितना नुकसान पहुंचाएगा, जान लेगा या नहीं लेगा, इसका कोई भी जिक्र अभी यहां पर नहीं हो पाया है। लेकिन फिर भी वायरस है तो खतरनाक जरूर है, ये जरूर कहा जा सकता है। इससे बचाव भी एक मुख्य चीज है जिससे आप इस वायरस की चपेट में आने से बिल्कुल बच सकते हैं। अगर आप बचाव नहीं करेंगे तो जो कोरोना काल के चलते स्थिति अभी बनी हुई है, ऐसी ही स्थिति और भयावह स्थिति आगे होने वाली है। बिल्कुल प्रद्युम्न, और ये माना जा रहा है कि डेटा के अकॉर्डिंग हो सकता है ये नहीं अभी तक सामने आया है कि ये कितना खतरनाक है या कितनी तेजी से फैलता है, लेकिन बहुत अहम ये है कि जितना भी ये कोरोना वायरस बढ़ेगा, चाहे वो नए स्ट्रेन की बात करें या हम जो COVID-19 से जो हम झेल रहे हैं उसकी बात करें, जितना ये बढ़ेगा उतना ही हमारे हेल्थ सेक्टर पर इसका इफेक्ट पड़ेगा, हेल्थ वर्कर्स जो हैं उनके ऊपर ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, ज्यादा प्रेशर आएगा। ऑलरेडी चीजें इतनी ज्यादा अहम हो चुकी हैं, इतनी ज्यादा खतरनाक हो चुकी हैं। हालांकि अगर हम अभी पिछले कुछ दिनों के आंकड़ों की बात करें तो 30,000 के अलपेट में आंकड़े आ रहे हैं, जो कि कम नहीं है, अपने आप में बहुत ज्यादा है। पुराने अगर डेटा से कंपेयर करें तो शायद हो सकता है कम है, लेकिन इसको भी हमें लाइटली नहीं लेना चाहिए, इस तरीके से नहीं लेना चाहिए कि अगर वायरस के जो संक्रमित लोगों की जो संख्या है वो कम आ रही है तो ऐसे में हम फ्री हो गए हैं, ऐसे में हम बिना मास्क के घूम सकते हैं, मार्केट्स में जा सकते हैं। अभी भी उतना ही खतरनाक है ये वायरस जितना आप देख रहे हैं, हर दिन लोगों की मौत हो रही है, हर दिन मौतों का आंकड़ा तो बढ़ ही रहा है। तो ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है कि आप अपने आप को बचा के रखिए ताकि आप बाकी लोगों को भी बचा सके। प्रद्युम्न, बिल्कुल जिस तरीके से आप जिक्र कर रहे हैं कि अपने आप को बचा के रखिए जिससे अपने लोग सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि ये समझना और समझाना बेहद जरूरी हो जाता है। बार बार प्रधानमंत्री मोदी भी समझा रहे हैं, योगी आदित्यनाथ भी समझा रहे हैं, हम लोग भी आप तक ये पूरी जानकारी पहुंचा रहे हैं कि अगर आप लोग लापरवाही बरतेंगे तो फिर आपकी जनहानि जो लगातार हो रही है ऐसे ही आगे भी होती रहेगी। अगर हम अब बात करते हैं जिस तरीके से इसके बचाव के जो कारण है वो तो हमारे हाथ में ही है, लेकिन जो सरकार काम कर रही है, सरकार भी पूरी तरीके से काम कर रही है। अगर बात की जाए वैक्सीन की, तो वैक्सीन के लिए सीरम इंस्टीट्यूट,
भारत बायोटेक लगातार काम कर रही हैं। उसके लिए लोगों को इकट्ठा किया जा रहा है, उन पर टेस्ट भी किया जा रहा है, जिससे जब ये वैक्सीन सभी लोगों तक पहुंचाई जाए, लगाई जाए, उनको सुरक्षित किया जाए, तो उनको किसी तरीके का हानि ना हो, कोई परेशानी ना हो, इसका कोई दुरुपयोग ना कर पाए, क्योंकि लगातार वैक्सीन का जो काम है वो भी तेजी से किया जा रहा है। खुद प्रधानमंत्री मोदी पुणे पहुंचे थे सीरम इंस्टीट्यूट में, जहां पर उन्होंने इस बात का जायजा लिया था कि कब तक ये जो वैक्सीन है तैयार हो जाएगी, कब तक आम लोगों तक पहुंचा दी जाएगी। और भारतीय प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस बात का जिक्र किया था कि जो फ्रंट लाइन वॉरियर है, स्वास्थ्य सेवा केंद्र में जो लोग काम करते हैं, स्वास्थ्य संबंधी लोग हैं, पुलिस वाले लोग हैं, और जो 50 साल से जिनकी उम्र ज्यादा है, सबसे पहले उनको वैक्सीन लगाई जाएगी। खासकर जो कैंसर के पेशेंट हैं, ये आप तक जानकारी हम पहुंचा दें, कैंसर के पेशेंट को प्रमुखता दी जा रही है इस बार, क्योंकि कैंसर का पेशेंट का जो मरीज होता है वो इतना अंदर से कमजोर हो चुका होता है कि एक मामूली सा वायरस भी उसकी जान ले लेगा। बिल्कुल, और ये एक लिस्ट आपने सही बताया प्रद्युमन की, एक पूरी लिस्ट बनाई गई है। इस लिस्ट में शुरुआती तौर पर जो हम जो लोग 50 साल से ऊपर हैं, पैरामिलिट्री के जो लोग हैं, हेल्थ वर्कर्स हैं, पुलिस जो सामने जो है वो खड़ी हुई है हमें बचाने के लिए, हर वक्त जो है वो खड़े रहते हैं हर जगह पर जहां पर वो सोशल डिस्टेंसिंग और तमाम चीज़ों का पालन जो है वो करवाते हैं। तो ये एक लिस्ट बनाई गई थी सरकार के द्वारा, और अब क्योंकि ये वैक्सीन का पूरा प्रोसीजर शुरू हो गया है, और आज ही ये खबर भी आई कि दिल्ली में जो है वो तमाम कौन से वो 50,000 लोग हैं जिनको पहले कोरोना वैक्सीन जो है वो दी जाएगी। तो ये बहुत अहम है कि सरकार अपनी तरफ से एफर्ट्स करने में कोई कमी नहीं कर रही है। अब फर्ज हमारा बनता है, फर्ज देश के लोगों का बनता है कि आप अपने आप को कैसे बचाते हैं। तो ऐसे में बहुत जरूरी है कि आप अपने आप को बचा के रखें, और तमाम अगर हम चीजों की अगर हम बात करें, वायरस की हमने जिस तरीके से बात की, जिसमें ये डिस्कशन हमने किया प्रद्युमन की कैसे ये वायरस जो है वो एडवांस कैटेगरी में होता जा रहा है, तो क्या ये भी मान लिया जाए कि आने वाले वक्त में जैसे ये नया स्ट्रेन आया है, आने वाले वक्त में हमें और भी इससे ज्यादा खतरनाक या उससे ज्यादा एडवांस स्ट्रेन मिले? बिल्कुल, भारतीय जिस तरीके से मैंने पहले जिक्र किया था कि जो भी वायरस होता है वो अपनी रूपरेखा, अपना चरित्र, अपना बदलाव वो जरूर करता है, क्योंकि अगर वो बदलाव नहीं करेगा तो उसकी मृत्यु तय है इंसान के शरीर के अंदर या बाहर, इसलिए वो अपने सेल्स बनाता है, सेल्स को मजबूत करता है। तो ये बिल्कुल कहा जा सकता है भारतीय कि आने वाले समय में पहले कोरोना वायरस आया, अब स्ट्रेन वायरस आ गया है, और आने वाले समय में ये अपने सेल्स को डेवलप करेगा, फिर नया वायरस यहां पर देखने को मिलेगा। अब ये कहा नहीं जा सकता है कि ये किस देश में मिले, क्योंकि जो स्ट्रेन वायरस यहां पर पाया गया है वो साउथ अफ्रीका के कुछ लोग थे जो वहां पर गए थे, और वो लोग जब यूके पहुंचते हैं तो वो इस वायरस की चपेट में संक्रमित पाए जाते हैं। प्रद्युमन, सबसे अहम बात इसमें ये भी हो जाती है कि हमने जब कोरोना वायरस आया उस वक्त चाइना से चीजें जो है वो वुहान शहर से चीजें देखी गई, लेकिन अब जिस तरीके से यूके में अब चीजें बढ़ रही हैं, हिंदुस्तान में भी संक्रमित लोग जरूर आए होंगे, और हालांकि अभी इसकी कोई स्टडी एज सच नहीं आई है, लेकिन फिर भी क्योंकि सितंबर से ये वहां पर वायरस था, और अब मंडे को जो है वो सारी फ्लाइट्स जो है वो रद्द कर दी गई थी, लेकिन ऐसे में इतनी फ्लाइट्स आई गई हैं जैसा हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे, तो ऐसे में वायरस जरूर आया होगा। तो अब क्या अगला नंबर भारत का है, जिस तरीके से पहले नंबर पे चाइना से चीजें शुरू हुई, अब यूके में चीजें बढ़ी हैं, क्या भारत का तीसरा नंबर हो सकता है? हालांकि अब फिंगर क्रॉस्ड है कि यहां पर चीजें उस तरीके से ना बिगड़े, क्योंकि हमारे देश की जनसंख्या प्रद्युमन इतनी ज्यादा है कि अगर इस वायरस की स्टडी क्लियर होती है कि बहुत तेजी से बढ़ेगा, तो हमारा देश वो देश हो सकता है जिसमें बहुत ज्यादा खतरा जो है वो आए। और न्यूजीलैंड की प्रद्युमन अगर मैं बात करना चाहूँ, ऐड जरूर करना चाहूंगी कि न्यूजीलैंड को कोरोना फ्री जो है वो कह दिया गया था, ये बहुत अच्छी खबर है। बेशक हमारे देश में अभी कोरोना वायरस बेशक जो है वो अपने चरम पर है, चीजें चल रही हैं, लेकिन हमें सीख लेने की बहुत जरूरत है जिस तरीके से न्यूजीलैंड कोरोना फ्री हो चुका है, और वहां पर अब सोशल डिस्टेंसिंग का आपको पालन करने की जरूरत नहीं है, आपको मास्क लगाने की जरूरत नहीं है। तो अगर इन सब चीजों से मुक्ति चाहते हैं तो मुझे लगता है बहुत जरूरी हो जाएगा कि हमें अपने आप को बहुत जो है वो कंट्रोल में रखना पड़ेगा, संक्रमित चीजें जो हमारे आसपास हैं हमें उसे खुद को बचाना पड़ेगा ताकि हम बाकी लोगों को भी बचा सकें। बिल्कुल, जिस तरीके से भारतीय आप जिक्र कर रहे हैं कि फिंगर क्रॉस्ड है, यहाँ पर ऐसा कुछ भी ना हो, लेकिन लोगों को ये समझना पड़ेगा कि कोरोना काल जब चल रहा है और अब भी चल रहा है, चरम स्थिति में है, ऐसे में करोड़ की संख्या में यहाँ पर लोग पहुंच चुके हैं, अगर स्ट्रेन वायरस भी यहाँ पर पाया जाता है तो ना जाने भारत की स्थिति क्या होने वाली है। जिस तरीके से भारतीय आप जिक्र कर रही है कि क्या तीसरा नंबर भारत का होगा, तो बिल्कुल ये कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं वो इतनी लापरवाही करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी लगातार
अपील कर रहे हैं कि इस तरीके की लापरवाही ना बरती जाए, भारत को बचाया जाए। लेकिन आप जाइए बाहर, देखिए सही, किसान आंदोलन हो रहा है, गांव देहात क्षेत्र में जाइए, वहां पर मास्क का प्रयोग कोई नहीं करता, क्योंकि वो लोग ये सोचते हैं कि हम लोग देसी लोग हैं, हमको ये वायरस अपनी चपेट में नहीं ले सकता है। लेकिन ये बिल्कुल गलत सोच है, चाहे आप देसी हो चाहे विदेशी हो, हमारा देश है, यहाँ पर कोरोना वायरस आ गया, विदेश में अब स्ट्रेन वायरस आ चुका है। तो ये कहना बिल्कुल सही है कि वायरस कहीं भी पहुंच सकता है, पहुंच सकता है, और वायरस शक्ल देख के या आप देश से हैं या विदेश से हैं ये देखकर एंटर नहीं करेगा। जब वो एंटर करेगा तो वो सिर्फ जान लेने के मकसद से एंटर करेगा, ये समझना बेहद जरूरी है। लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, हर बार हम ये बात बोलते हैं, हमने पहले भी ये बात बोली डिस्कशन में प्रद्युम्न की, ये जरूरत नहीं है कि हम और आप इससे डरें, जरूरत है कि सिर्फ हम लापरवाही ना करें, हम मास्क लगा के रखें, हम तमाम वो चीजों का फॉलो करें, उन सब चीजों को जिनकी जरूरत है फॉलो करना, क्योंकि अगर हम फॉलो नहीं करेंगे तो न सिर्फ अपने आप को हम परेशानी, अपने आप के लिए परेशानी खड़ी करेंगे, बल्कि देश के बाकी लोगों के लिए परेशानी खड़े करेंगे, और हमारे सरकार के जितने एफर्ट्स हैं, सरकार जितने एफर्ट्स करी है, राज्य सरकार जितने एफर्ट्स करी है, वो सभी बेकार हो जाएंगे, उनका कोई रीजन नहीं रहेगा, कोई मतलब नहीं रहेगा। तो ऐसे में बहुत अहम हो जाता है, और WHO की तरफ से तमाम गाइडलाइंस जो है वो हर बार अपडेट की जाती है, बहुत जरूरी है कि आप उन्हें समझें, समझने के बाद उन चीजों को जो है वो इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि ये सभी जो भी चीजें हो रही है, चाहे वो WHO की तरफ से हो रही है, सरकार की तरफ से हो रही है, राज्य सरकार की तरफ से हो रही है, आपके डिस्ट्रिक्ट की तरफ से हो रही है, ये सभी चीजें सिर्फ हमारे लिए हो रही है, हमारी जान बचाने के लिए हो रही है। तो बहुत जरूरी है कि इन सब चीजों से जो है वो डरे नहीं, लेकिन फॉलो करें, सारी गाइडलाइंस फॉलो करें, और सभी चीजों को जो है वो ध्यान से परख के जो है वो चीजों को हम आगे लेकर जाएं। मुझे लगता है प्रद्युम्न एक लंबी चर्चा हमने जरूर कर ली है, और मुझे लगता है कि हमारे व्यूअर्स जो है वो इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि हमें किस तरीके से इस पूरी चीज को देखना है, और नए स्ट्रेन को किस तरीके से हमें जो है वो झेलना है, अगर झेलना पड़ा तो, पर फिंगर क्रॉस कि हम इन चीजों से ना रूबरू हों। तो न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया की पूरी टीम की तरफ से ये अपील है कि आप अपने आप को सुरक्षित रखिए, तमाम चीजें फॉलो कीजिए, तमाम गाइडलाइंस को फॉलो कीजिए, ताकि न सिर्फ आप सुरक्षित रहें बल्कि पूरा देश, पूरी दुनिया सुरक्षित रहे। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। धन्यवाद।